नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपमनकु अमर चैनल को स्वागत। 10 दिन युद्ध पर रूस सामयिक अस्त्र विरति घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी को दावी को ग्रहण कर निष्पत्ति नेले पुतिन। रूस और युक्रेन युद्ध भितर आसी एक बड़ खबर। रूस पक्षर युक्रेन अस्त्र विरति घोषणा कर भारतीय समय अनुसार सकाल 11 बेले अस्त्र विरति घोषणा कर जो पर्यंत से फसी लोक बाहर करा से पर्यंत आक्रमण करल्लेखनीय गत 10 दिन हम युक्रेन युद्ध जारी रही। रूस लगातार युक्रेन उपर आक्रमण कर रूस अस्त्र विरति घोषणा जमापड़ी। तृतीय पर्याय आलोचना आज कि आसंतापे युक्रेन एवं बहु लोक फसी रही, भारतीय छात्र रही, तेणु से ही लोक मानी खुशी खबर जो मैंने से फसी रही। प्रधानमंत्री मोदी एपर्यंत 2 थर रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कथा हो सारी। भारत युक्रेन और रूस को कहते से आमर नागरिक को बाहर करने सुजोग दिंतु और अस्त्र विरति घोषणा करूँ। बहु संख्यार भारतीय युक्रेन में फसी रही। शेष में प्रधानमंत्री मोदी को दावी को ग्रहण कर रूस 10 दिन युद्ध पर अस्त्र विरति घोषणा कर 24 फरवरी जारी होता एक युद्ध भितर 5 मार्च अर्थात गत काली एक प्रकार आश्वस्तिजनक खबर सामना को आसी। युक्रेन में फसी रही लोक बाहर करने अस्त्र विरति उल्लंघन निष्पत्ति। शनिवार अस्त्र विरति घोषणा करने पूर्व किएव्र बुकार रूस सेना साधारण जनता उपर गोली माड़ कर। युक्रेन गणमाध्यम खबर अनुसार रूस सैनिकों गोली माड़ 17 वर्ष युवती सहित 2 जनकर मृत्यु होती, 4 जन आहत होती। केवल से नुहे रूस सेना राजधानी किएव्र बाहर इरापिन सहर से शनिवार सेना हॉस्पिटल उपर बोमा माड़ कर।